तो पीट्रो ने लॉन्च कर दी अपनी दो जबरदस्त स्मार्ट वॉचेस, एक का नाम है रिफ्लेक्ट प्रो प्लस और एक का नाम है रिफ्लेक्ट क्लासिक। दोनों दिखने में काफी अलग है, एक आपको देखने को मिलती है स्टाइलिश लग्जरी डिजाइन में, एक आपको मिलती है क्लासिक डिजाइन में, जो कि दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फटाफट से इन दोनों वॉचेस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले सभी को इंदौरी भाई की राम राम। अब खोलेंगे हम लोग यहाँ पर डब्बा, डब्बे जो यहाँ पर थोड़े डिफरेंट आपको नजर आएंगे और दोनों ही डिब्बों को अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्लासिक को लेकर। तो नॉर्मल पैकेजिंग है जहाँ पर ब्रांडिंग कर रखी है, कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं, मेड इन इंडिया प्राउडली यहाँ पर टैग आउट कर रखा है। साइड में देखेंगे तो आपको साइड में कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज की बात करते हैं तो आपको मिल जाती है आपकी वॉच, आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी, साथ में मिलेगा आपको एक पेपर जिसमें आपको QR कोड दे रखे हैं, एक आपको वारंटी कार्ड का दे रखा है और एक आपको दे रखा है यहाँ पर इनकी मैनुअल का। वहीं अगर बात करता हूं यहाँ पर रिफ्लेक्ट प्रो प्लस की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपकी वॉच, साथ में दे रखा है आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल। यहाँ पर चार्जिंग केबल जो है आपको मैग्नेटिक वाले दे रखी है, यानी कि वायरलेस वाले दे रखी है। सेकंड आपको प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने एक टूल, जिस टूल से आप इसकी चेन की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे एक पेपर जिसमें आपको वही QR कोड दे रखा है और आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रैप भी आपको इसमें जो है बंडल कर रखा है। बट आप करेंगे सीधे बातचीत शुरू यहाँ पे वॉचेस को लेकर, तो वॉचेस जो है दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। क्लासिक को लेकर हम बात करें तो क्लासिक जो है लाइट वेट फील होती है, और पर्सनली आप अगर रेगुलर डे बेसिस के हिसाब से वॉच को देखते हैं या कंसिडर करते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रायोरिटी भी होंगी। और डिजाइन को लेकर बात करें तो आपको मिनिमलिस्टिक डिजाइन देखने को मिलता है, स्क्वायर पैटर्न डिजाइन है। साइड में आपको यहाँ पर एक बटन दे रखा है, सिंगल बटन दे रखा है, पुश बटन प्रोवाइड कर रखा हुआ है। वहीं आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, मेटलिक आपको सॉलिड जो है यहाँ पर ऊपर की फ्रेम देखने को मिलती है, टॉप पे ग्लास इन्होंने लगा रखा है। स्ट्रैप्स को लेकर बात करें तो 22mm की ये स्ट्रैप्स हैं, और ये जो स्ट्रैप है इसमें आपको हल्का सा टेक्सचर भी नजर आ जाता है, फील अच्छा बनाते हैं, लुक अच्छा बना देते हैं इस वॉच का। बट जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना कि डिजाइन काफी फ्लैटेड रखा है और आपके हाथ में ये बड़ी नजर नहीं आती है ड्यू टू द साइज, जो कि दिखने में काफी मैसिव नजर आई। आपको 2.01 इंच का डिस्प्ले यूज कर रखा है, उसकी वजह से आपको वॉच काफी बड़ी लगती है, बट इन्होंने फ्लैट रखा है, लाइट वेट फील होगी। आप अगर लंबे समय तक भी इस्तेमाल करें तो आपको एज सच नोटिस नहीं होता है कि आपने हाथ में वॉच पहन रखा है। और वहीं से मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्ट प्रो प्लस को लेके, तो ये आती है आपके स्टेनलेस स्टील डिजाइन में, और डिजाइन जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फील देता है एप्पल की वॉच अल्ट्रा जैसा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने डायल पे काफी अच्छा वर्क करा है, रोटेटिंग क्राउन का आपको प्रॉपर यहाँ पे आवाज भी आता है, नीचे आपको एक पुश बटन प्रोवाइड कर रखा है, साइड में भी आपको एक बटन दे रखा है, ऊपर आपको माइक्रो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, पीछे आपके सारे सेंसर वगैरह नजर आएंगे आपको। अब वहीं अगर मैं बेल्ट को लेकर बात करूँ तो ये रिमूवेबल वाले दे रखे हैं, आपको पिन वाला सॉल्यूशन दे रखा है, तो अगर आप चेंज करना है तो चेंज ईजिली कर सकते हो। बट जो क्वालिटी ऑफ स्ट्रैप यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने स्टेनलेस स्टील में, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और पर्सनली इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है ना वो काफी अच्छी फील और वाइब दे रहा है। तो डिवाइस डिजाइन के मामले में तो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, प्लस बिल्ट भी आपको काफी सॉलिड देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। अब दोनों ही वॉचेस में इंटरेस्टिंगली अगर मैं डिस्प्ले को लेकर बात करूं तो आपको सेम साइज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 2.01 इंच का, दोनों ही वॉच में डिस्प्ले सेम है, आइडेंटिकल मिल जाता है। और अगर मैं बेजल्स को लेकर बात करूं तो बेजल्स भी आपको काफी थीन नजर आते हैं। थोड़ा सा आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट प्रो प्लस है यहाँ पर आपको जो इसके बॉर्डर्स है वो नजर आएंगे, बट इन्होंने इक्वल बॉर्डर साइज यूज कर रखा है, ऐसा नहीं कि नीचे से बड़ी है साइड से पतली दे रखी है, तो इक्वल होने की वजह से कभी कभार जो है फील जो है वो प्रॉपर आता है और दब जाता है। मतलब अगर आप नॉर्मली वॉच को देखोगे तो आपको ऐसे नोटिस जो है कि इसके बेजल्स हैं भी, तो मेरे हिसाब से वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं इशू नहीं बनेगा। अब डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर बात करें तो जो है आपको ब्राइटनेस काफी डिसेंट मिल जाती है, आउटडोर सिनेरियो के हिसाब से भी काफी यूजेबल कहना कि बन जाती है, और आपको दोनों ही वॉचेस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला मोड, यानी कि ऑलवेज ऑन आपको जो है मोड यहाँ पर दे रखा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि डिजिटल और एनालॉग दोनों अवेलेबल कर रखा है, और ये ऑटो सेट है, UI के अंदर इनको इस तरीके से इंटीग्रेट कर रखा है, तो अगर आपने जिस तरह का डायल लगा रखा है तो ये उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एनालॉग लगा रखा तो मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पर एनालॉग का जो है AOD ऑन हो जाता है, अगर मैंने डिजिटल लगाऊंगा यहाँ पर तो डिजिटल वाला जो है यहाँ पर अपीयर हो जाता है। दोनों वॉच में वैसा ही कुछ आपको जो है नोटिस होता है, सेम टू सेम कहीं ना कहीं आपको जो है नजर आएंगी चीजें। अगर बात वेग गेस्चर को लेकर तो वेग गेस्चर भी दे रखा है, डिस्टर्ब करने में आपका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। बैटरी परफॉर्मेंस के टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो दोनों ही वॉचेस आपको कंपनी का क्लेम है देखो 7 दिन तक परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अप टू 7 डेज। अब मेजरली कंसर्न कहाँ बन जाता है कि यूजेज कैसा है, किस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हो। अब काफी सारे यूजर हैं जो कॉल वाली परफॉर्मेंस को यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ जाता है। अब अगर नॉर्मल आप यूज करोगे तो फिर ठीक है, बट अगर आप कॉलिंग पे रेगुलरली वर्क कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस आपको 1 से 2 दिन तक का मिल सकता है, और एवरेज यूजर्स की मैं बात करूँ तो 4 से 5 दिन तक आप इजीली जो है वॉच को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल इसको यूज कर रहे हैं तो। अब बाकी चीजों को लेकर बात करूँ तो दोनों ही वॉच आपको IP68 मिल जाती है, तो इंटरेस्टिंगली ये अच्छी बात हो जाती है कि अगर आप इसको स्विमिंग पूल वगैरह में लेके जा रहे हैं तो आपकी वॉच जो है वो सेफ रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रोटेटिंग क्राउन वाली चीज है ये आपको इंटरेस्टिंगली मिलती है सिर्फ क्लासिक प्रो प्लस में। यहाँ पे जो क्लासिक है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिंगल बटन देखने को मिलता है, बेसिकली ये थोड़ा सा आपको माइनर फर्क यहाँ पे नोटिस होगा। अब बाकी चीजों को लेकर मैं बात करता हूँ, तो सेंसर वगैरह बैक में दे रखे हैं, सिमिलर सेंसर यहाँ पर यूज कर रखे हैं, वही आपका HR SPO2 और एक्सेलेरोमीटर, तो वो यहाँ पर आपको अवेलेबल कर रखा है। बट अब UI वाला जो पार्ट है, UI वाले पार्ट की जब मैं बात करूँ तो UI दोनों ही वॉचेस की स्मूथ नजर आ रही है, और यूजेबिलिटी को लेकर मैं बात करूँ तो आपको
दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो इसको यूज कर सकते हैं, टॉगल अप कर सकते हैं, स्वाइप अप कर सकते हैं, और जो इसकी यूआई है उसमें आपको सारी चीजें भी नजर आ जाती हैं। टॉप स्वाइप पे जैसे आप देख सकते हैं आपको सारे टॉगल्स नजर आ जाएंगे, बॉटम पे आपकी सारे जो फीचर्स है मेन्यू है वो आपको अपीयर हो जाता है, राइट साइड से आपके सारे जो फीचर्स है हेल्थ ट्रैकिंग है वो आप देख सकते हैं, अदर साइड से करने में आपको एक साइड बार भी नोटिस हो जाता है यहाँ पर, और सेंटर टच पर करेंगे तो आपकी जो वॉच फेजेस वगैरह हैं उनको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, दोनों ही यूआई जो है काफ़ी स्मूथ वर्क कर रही है। देखो फीचर्स के मामले में दोनों ही वॉचेस जो है कॉलिंग से पैक्ड है, तो आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाएगी, यानी कि फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, डायल पैड, कॉल हिस्ट्री वाली चीज़ नजर आ जाती है, और कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो दोनों ही यहाँ पे वॉचेस का हम लोग एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हो आ रही रिफ्लेक्ट प्रो प्लस से, और कुछ जिस तरह की परफॉर्मेंस ये वॉच देगी कॉलिंग के टाइम पे तो इसको इस्तेमाल करेंगे। गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है रिफ्लेक्ट क्लासिक से, और कुछ इस तरह की क्वालिटी परफॉर्मेंस ये देगी जब अभी आप इसको कॉल के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी जो फीचर्स जैसे कि आपका एचआर हो गया, एसपीओ2 हो गया, एक्सपर्ट सेंसर जो वर्क करते हैं रोल प्ले में आते हैं, तो किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्लोज टू क्लोज मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट के आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस यहाँ पर टच मिल जाता है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है और मैं हमेशा यही कहता आया हूँ, हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अगर आप वॉचेस को देखते हैं तो ये सिर्फ आपको टेंटेटिव आइडिया देती है, और अगर आपकी हेल्थ को इश्यूज ज्यादा है, दिक्कत ज्यादा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स का ही यूज करें। बाकी स्लीप मॉनिटरिंग वगैरह जैसा फीचर आपको जो है यहाँ पर वॉच में देखने को मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कितना स्लीप किया है, हार्ट स्लीप, लाइट स्लीप वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। डिफरेंट मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दोनों ही वॉचेस में मिल जाते हैं, अगर आप एक्टिविटी करना पसंद करते हैं बाहर या जिम जाना पसंद करते हैं तो ये मोड आपके बारे काफी काम में आते हैं। म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएगा आपको, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साथ ही इसमें आपको फाइंड माय फोन वाला ऑप्शन मिल जाता है, मेन्यू स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कर रखा है, और अच्छी बात यहाँ पर ये कि आपको गेम वगैरह ऐसे छोटे मोटे गेम वगैरह भी जो है वॉच में दे रखे हैं, तो आप उनको भी फ्री टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। बाकी नॉइज डिटेक्शन है, कैलकुलेटर वाली चीज़ भी आपको अवेलेबल कर रखी है, तो आप ऑन को यहाँ पर कैलकुलेटर पर चीज़ें भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सेटिंग्स वगैरह में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टाइम वगैरह सेट करने का ऑप्शन दे रखा है, डिस्प्ले का टाइम बढ़ाना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, असिस्टेंट यानी कि वॉइस असिस्टेंट वगैरह आपको वेक करना है तो आप वो भी यहाँ पर जो है वॉच से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वॉच में बंडल कर रखी है। अब एप्लीकेशन को लेकर बात करूँ तो एप्लीकेशन जो है आपको कुछ इस तरह की नजर आती है, जिसमें आपके फ्रंट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी आपने एक्टिविटी कर रखी है। सेटिंग में जाएंगे तो अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, रिमाइंडर्स वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करनी तो वो कर सकते हो, और वॉच फेस लगाना है तो आपको यहाँ पर काफी सारे वॉच फेस अवेलेबल कर रखे हैं। ब्रांड ने यहाँ पे 100+ वॉच फेसेस जो है स्टोर पे दे रखे हैं, आप इजीली उनको जो है यहाँ पर डाल सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, और आपको जो वॉच फेस लगाना लगा सकते हो, खुद का फोटो लगाना तो वो भी आप लगा पाओगे, दिक्कत नहीं आने वाली। तो इन टर्म्स आपको सारी चीजें जो है वॉच में यहाँ पे बंडल कर रखी है। प्राइसिंग की जब मैं बात करता हूँ तो प्राइसिंग बड़ी ही कॉम्पिटिटिव रखी है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्लासिक को लेकर तो ये आपको 1100 रुपए के अराउंड प्राइसिंग पे मिल जाती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्राइसिंग है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट के प्रो प्लस को लेके तो ये वॉच आपको मिल जाती है अराउंड 1300-1400 के आसपास आपको मिल जाती है। प्राइसिंग थोड़ी शफल अप होती है, बट 1300-1400 रुपए की प्राइसिंग पे इस वॉच को लॉन्च करा, और इस प्राइसिंग पे मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग वॉच बन जाती है। आपको एक स्टेनलेस स्टील वाला डिजाइन मिल जाता है। पर्सनली मैं यही बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, क्योंकि लुक एंड फील के मामले में मुझे प्रो प्लस काफी ज्यादा बेहतर लगती है। एज अ पर्सन मैं बोलूं अपने वॉच कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो तो आपके लिए वॉच काफी ज्यादा जो है प्रेफरेबल रहेगी। तो मेरे हिसाब से यही था इस वीडियो में, अगर आपको कोई डाउट या सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जो से कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और अगर आपको ये वॉचेस चेकआउट करनी है तो इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप देख लेना। बाकी नया है तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना, प्यार देते हुए जाना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटिंग रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।